कैंसर की मॉडर्न ट्रीटमेंट का मेथड बड़ा ही शर्मनाक है गौर कीजिए इस रिपोर्ट पर मनी स्पेंड बाय नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट बा इंडियन करेंसी में थर्टी थाउजेंड करोड़ रुपीज पर ईयर एंड द सेम नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट ऑब्जर्व कैंसर पेशेंट डिनाइंग ट्रीटमेंट हैव फोर टाइम्स मोर चांसेस ऑफ सर्वाइवल है पेशेंट अंडर गोइंग कीमोथेरेपी और रेडिएशन अकॉर्डिंग टू न्यूज वीक सर्वे सेवेंटी फाइवेंट ऑफ ऑनकोलॉजी से दैट दे विल नॉट एक्सेप्ट कीमोथेरेपी रेडिएशन थेरेपी इफ दे गेट कैंसर टी कोरिन जो कि अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर रिसर्च के सीनियर साइंस एडवाइजर हैं, उनसे पूछा गया कि अगर कभी आपको या आपके परिवार के किसी सदस्य को कैंसर हो जाए तो आप क्या करेंगे देखिए उनका जवाब इफ आई और Uh, a, totally a plant based diet, maybe enrich it uh, with some uh, other uh, materials that uh, is particularly rich in some of the good qualities of plant based foods and make sure you get enough water, exercise, sunshine, and I would just let nature take its course. Unko Patahe, ki chemotherapy ki World War 2 mustard gas <laughs> was used by Hitler to kill more than 60 lakh Jews.

वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सेज थ्री परसेंट द कैंसर बर्न इन दर्ल्ड इज बिकॉज ऑफ द डायग्नोस्टिक एक्सरेज यानी कि एक्सरे कराना आपके लिए खतरनाक है एक्सरे में लीड टू कैंसर सिमिलरली मेमोग्राफी यानी कि ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग इंक्रीजेज द चांसेज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर हार्वर्ड मेडिकल स्कूल से इंक्रीजेज द कैंसर इज बायटी टू परसेंट कैंसर यू ही किसी को अपने आप ही नहीं हो जाता बल्कि अक्सर हॉस्पिटल्स के मॉडर्न डायग्नोस्टिक टेस्ट्स और फास्ट फूड में छुपे हुए केमिकल्स के माध्यम से बॉडी में कैंसर को एक षड्यंत्र के तहत प्रवेश कराया जाता है क्योंकि आपके बीमार पड़ने से कुछ लोगों को बेहद लाभ है हार्ट सर्जरी का भी कुछ ऐसा ही है चाइना स्टडी जो कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टडी है न्यूट्रिशन पे उसके अनुसार विद इन थ्री ईयर्स ऑफ बाईपास सर्जरी वन थर्ड ऑफ द पेशेंट सफर फ्रॉम चेस्ट पेन अगेन The patient who undergo operation do not have fewer heart attack than those who do not undergo surgery. Bypass surgery and angioplasty do not address the cause of the heart disease, prevent heart attack, or extend the life of any but the sickest heart disease patients. To understand the economics of the disease, consider this: WHO report says India will lose roughly one twenty lakh crore rupees in next ten years because of the lifestyle disease.

ज हेल्थ केयर फोर आउट ऑफ टॉप टेन फास्टर ग्रोइंग कंपनी अगेन दट इज हेल्थ केयर एक्चुअली इट इज नॉट द बिजनेस इट इज ऑफ डिजीज एक लार्जेस्ट मैनुफेक्चर ऑफ कीमो ड्रग्स है एक और कंपनी फिलिप मॉरिस जो लार्जेस्ट टोबैको सेलिंग कंपनी है अब जरा सोचिए बताइए इन दोनों कंपनीज में कॉमन क्या है येस वन इज प्रोड्यूसिंग कैंसर एंड अदर इज ट्राइंग टू क्योर कैंसर इसके अलावा वन मोर थिंग इज कॉमन बिटवीन दीज टू कंपनीज एंड दैट इज वन नेम कॉल्ड रिचर्ड एल क्लिप रिचर्ड एल हु इज द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट कंपनी एंड हैज अ शेयर इंटरेस्ट इन द सेकेंड कंपनी एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बात 1964 की है कैलिफोर्निया मेडिकल एसोसिएशन के दो डॉक्टर दो, डॉक्टर मैकडोनल्ड एंड डॉक्टर गार्लिन दोनों ने साइंटिफिकली प्रूव कर दिया कि 24 फोर सीक्रेट्स डे अ लंग्स कंसर वे वो यही प्रचलित कर रहे थे कि अगर आपको लंग्स कैंसर से बचना है तो दिन में कम से कम आपको 24 सिगरेट पीना होगा और उन्होंने खुद अपने आप को दिखाया कि हम जीता जागता सबूत हैं कि हम रोज सिगरेट पीते हैं और दिन में कई के सिगरेट पी जाते हैं तब भी हम हेल्दी हैं हमें कैंसर नहीं है कुदरत का खेल देखिए डॉक्टर मैकडोनल्ड के देहांत घर में आग लगने से हुई जो कि जले हुए सिगरेट के रह जाने से हुई और कुछ साल बाद डॉक्टर गार्लेंट लंग कैंसर से मारे गए और उनके मरने के बाद ट्वेंटी फोर डे कीप लंग कैंसर अवे का भी खात्मा हो गया नाइनटीन फोर्टी में यह एफ डी ए द्वारा अप्रूव्ड एडवर्टाइजमेंट जिससे यह साफ है कि स्मोकिंग डायशन के लिए लाभदायक है या फिर यह एड जिसमें अच्छे डॉक्टर को स्मोकिंग से जोड़ा गया है या फिर इस एड में अच्छे मदर को स्मोकिंग से एसोसिएट किया गया है इन सारे मेडिसिन और फास्ट फूड के षड्यंत्र का नतीजा यह है कि आज डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज में टेन में से ए डेथ लाइफ स्टाइल डिजीज जैसे कार्डियोवेस्कल डिजीजेस कैंसर डायबिटीज की वजह से है जो कि पूर्ण तरह से मानव निर्मित है अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ओ बाई टू थाउजेंड एटी वन इन एवरी फोर मेल्स विल फीमेल्स विल हैव ब्रेस्ट कैंसर नेशनल कमीशन ऑफ माइक्रो हेल्थ के अनुसार इंडिया में कार्डियोवेस्कल डिजीजेस आर प्रोजेक्टेड टू एफ्लिक्ट ओवर सिक्स करोड़ पीपल इन टू थाउजेंड फिफ्टीन एंड सिमिलरली पीपल सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज इज एक्सपेक्टेड टू राइज टू 4.6 करोड़ इन 2015 यूनाइटेड नेशन के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि मानव का मेंटल और फिजिकल हेल्थ कंडीशन की रैंकिंग इंडिया इज एट वन पोजीशन आउट ऑफ 177 कंट्रीज यानी कि मामला बेहद गंभीर है मामले की गंभीरता को अंडरस्टैंड करने के लिए इस उदाहरण पर गौर करें 7 अगस्त 2011 में उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल्स के प्रमोशन के लिए एक 10 किलोमीटर की दौड़ का आयोजन किया गया जो कि 90 मिनट्स में पूरा करना था इंसान के पैदल चलने की स्पीड लगभग 7.5 किलोमीटर पर आर होती है मतलब अगर आप पैदल भी चलें तो भी 90 मिनट्स में 10 किलोमीटर की दौड़ को पूरा कर सकते हैं दौड़ का नतीजा यह कि लगभग 1000 से अधिक कांस्टेबल जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था रेस में 100 से अधिक दौड़ के दौरान ही बेहोश हो गए और पांच कांस्टेबल की मृत्यु हो गई यानी कि सेहत इतनी खराब कि चलना भी जानलेवा सिद्ध हो सकता है उस दौड़ में केवल 40 कांस्टेबल्स 10 किलोमीटर रेस पूरा कर पाए यहां मैं उल्लेख करना चाहूंगा एक और कांस्टेबल अभिजीत बरुआ जो कि असम पुलिस में कार्यरत है 31 जनवरी 2012 में नंगे पांव 24 घंटे बिना रुके दौड़कर 156 किलोमीटर कवर करने का रिकॉर्ड बनाया और अपना नाम गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया जब अभिजीत बरुआ मुझसे मिलने मेरे ऑफिस आए तब मैंने पूछा 24 फोर आवर्स नॉन स्टॉप मैराथन वर्ल्ड रिकॉर्ड के पीछे सीक्रेट क्या है अभिजीत के जवाब से मुझे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि यह वही जवाब था जो मैं पहले भी सुन चुका था उन लोगों से जिन्होंने जीवन के सौ वर्ष पूरे किए और वह भी बिना किसी बीमारी के अभी आपने पप्पू के जिंदगी के माध्यम से जाना एक भयानक सच जो कि मानव जाति को अंदर से खोखला करता जा रहा है अब बारी है समझने की कि अगर हम किसी जानलेवा बीमारी जैसे डायबिटीज कैंसर हार्ट डिजीज अर्थराइटिस या ओबेसिटी से पीड़ित हैं तो हम कैसे नेचर की शक्ति को यूज करके किसी भी डिजीज से मुक्ति पाएं? जरा सोचिए और बताइए व्हाट इज लाइफ लाइफ इज अ राइट बैलेंस बिटवीन माइंड बॉडी एंड एनमोमेंट और अगर इन तीनों में से एक भी अगर आउट ऑफ बैलेंस होता है तो बाकी दोनों भी आउट ऑफ बैलेंस हो जाते हैं याद रखिए जब भी हम बीमार पड़ते हैं तब हमारा माइंड बॉडी एंड आवर इंटरेक्शन विद द सराउंडिंग दैट इज द एनवायरमेंट तीनों ही बीमार पड़ जाते हैं जबकि एक मॉडर्न डॉक्टर सिर्फ बॉडी का ही रिपेयर करने की कोशिश करता है माइंड बॉडी और एनवायरमेंट के इस कनेक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए देखिए साइंटिस्ट डॉक्टर ब्रूस लिप्टन We do. Each cell has a brain. That's a fact. Each cell can read the environment and adjust its function for whatever it sees. But when cells get in a the community, they defer their own belief system or their own system of what they're seeing to the central command. So as you can see here, I have a cell here on the right-hand side, uh, marked in purple over here, that this cell is out here in the environment. But what should its function be? Well, the answer is it's going to be coordinated by the brain because the brain is going to tell all the cells what we should do to work together to you know, provide for the success of my living organism. So the brain gets in between the environment and the cell. The cell no longer reads its own environment. The cell depends on the central nervous system to tell us about the environment. So the bottom line is this. The cell on the right is intelligent. It will always be able to adjust itself to the environment. That's when I was taking cells out of sick people and putting them in culture. They started to get better because when left alone, they could say, man, I could live comfortably alone without being in that system anymore. <laughs> and then, so the fact is, so what regulates a cell now? When it's in a community, the cell reads the environment, which is the left side, uh, but it doesn't read it directly.

उनमें से मैनी ऑफ देम आर कंट्रोल्ड बाय द मेमोरी ऑफ सेल्स और मेमोरी ऑफ सेल्स निर्भर करती हैं आपकी बेसिक सोच और सोच को कंट्रोल करने वाला आसपास का एनवायरनमेंट जरा सोचिए एक बीपी का पेशेंट रोज दिन में कई बार जब बीपी की गोली खाता है तब इन रियलिटी सेल मेमोरी में यह री करता है कि उसके शरीर के ब्लड का फ्लो कैसा होना चाहिए एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वो लाइफ लॉन्ग बीपी का पेशेंट ही रहता है और इस प्रकार हर पल ऑन द बेसिस ऑफ योर बेसिक थॉट्स ऑफ गुड हेल्थ और पुअर हेल्थ आपके बॉडी के 50 ट्रिलियन से भी ज्यादा सेल्स के मेमोरी फीड होती है जिससे आपके बॉडी के सैकड़ों बायोकेमिकल प्रोसेस कंट्रोल होते हैं बॉडी के कॉम्प्लेक्सिटी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उन 50 ट्रिलियन सेल में से 90 परसेंट ऑफ योर बॉडी सेल्स आर माइक्रोव एंड 10 परसेंट इज योर ओन सेल माइक्रोब्स अपने आप में कंप्लीट जीव होते हैं और वह आपके शरीर में वैसे ही रहते हैं जैसे आप इस धरती पर अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से अपने बॉडी के अंदर झांकें, तो माइक्रोब्स आपको तैरते दिखाई देंगे They have dominated the evolution of life. So diverse in form and distribution, they are Earth's most ubiquitous life forms, carving out niches in ecosystems ranging from the vastness of the open sea to the digestive tract of a termite. And yet, only 1% of them are known to science. They are the microbes. उट एज वी कॉन्टीन थॉट फास्ट फूड एंड मेडिसिन के सेवन से अक्सर डैमेज सेलर लेवल पर होता है जिससे कैंसर जैसी बीमारियों का जन्म होता है सेल्स के अंदर के फॉल्टी केमिकल रिएक्शन को मेडिसिन से ठीक करने की कोशिश ठीक वैसा ही होगा जैसे कि आपके घर में मच्छर हो और आप उसे मारने के लिए मिसाइल या रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल करें क्या मॉडर्न मेडिसिन हार्मफुल कैंसरस सेल को मार सकती है यह सवाल पूछना कुछ ऐसा ही होगा कि क्या मिसाइल मच्छर को मार सकती है हाँ, मार तो सकती है बट एट द कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग योर हाउस साइंस आज भी यह मानता है कि अभी भी वन परसेंट से भी कम ह्यूमन बॉडी के बारे में हम जान पाए हैं इसलिए ह्यूमन बॉडी के सेलुलर डिसऑर्डर को करेक्ट करने का काम अगर हम नेचर पर ही छोड़ दें तो ही बेहतर होगा वट इज दैट वन थिंग विच कैन सेव द मैन काइंड एंड द आंसर इज नेचर देखिए चाइना स्टडी का यह अमेजिंग रिपोर्ट ये कहानी है दो सिविलाइजेशन की एक का नाम है हुंजा जो कि कश्मीर के पास रहते हैं और दूसरा सिविलाइजेशन है पीमा इंडियंस जो कि एरिजोना में जाकर बस गए थे दोनों ही सिविलाइजेशन दुनिया के हेल्थियस्ट सिविलाइजेशन माने जाते थे और दोनों का रहन सहन और फूडिंग हैबिट भी एक ही जैसी थी दोनों सिविलाइजेशन में यह देखा गया कि उनके टोटल डाइट का 90 परसेंट हिस्सा प्लांट बेस्ड रॉ डाइट ही था यानी कि अधिकतर भोजन फल और कच्चा या थोड़ा उबला सब्जी ही होता था नमक ना के बराबर और चीनी बिल्कुल कम और इन दोनों सिविलाइजेशन में लोग अक्सर 100 वर्ष से अधिक जीते थे और उन्हें कभी लाइफस्टाइल डिजीज जैसे कैंसर डायबिटीज हार्ट डिजीज एक्सेट्रा नहीं होता था आज भी हुंजा इंडियन अक्सर 100 वर्ष से अधिक जीते हैं वहाँ कोई बीमारी नहीं है और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ना ही वहाँ कोई केमिस्ट है और ना ही कोई हॉस्पिटल जबकि पीमा इंडियंस को आज दुनिया का सबसे बीमार सिविलाइजेशन का खिताब मिला है कारण यह है कि आज से कुछ वर्ष पूर्व एरिजोना में बसे पीमा इंडियन से उनकी जमीन अमेरिकन गवर्नमेंट ने यह कहकर छीन लिया कि बदले में उन्हें आजीवन मुफ्त भोजन मिलेगा और उसके बाद गवर्नमेंट ने भोजन के नाम पर पैक्ड फास्ट फूड का सप्लाई शुरू कर दिया परिणाम ये निकला कि लगभग ट्वेंटी ईयर्स में ही पीमा इंडियन का हर सदस्य भयंकर रूप से बीमार पड़ने लगा डायबिटीज हाई ब्लड प्रेशर माइग्रेन अर्थराइटिस हाई कोलेस्ट्रॉल कैंसर और जैसी बीमारी से पूरा पीमा इंडियन ग्रस्त हो गया चाइना स्टडी के अनुसार ऐसी ही कुछ बीमार लोगों को लेकर उनकी डाइट को फिर से मोर देन 90 परसेंट फल और कच्चा और बॉइल्ड वेजिटेबल कर दिया गया और साथ ही नमक चीनी मैदा और मिल्क पाउडर और साथ में रिफाइंड ऑयल पूरी तरह से वर्जित कर दिया गया ये पाया गया महज डेढ़ से दो साल में ही सब पूरी तरह से स्वस्थ हो गए यानी कंक्लूजन ये है कि आप कितना ही सीरियस डिजीज से पीड़ित क्यों ना हो आपको सिर्फ इतना करना है कि अपने डाइट को लगभग 90 परसेंट रॉ प्लांट बेस्ड फूड करना होगा और अगर आप किसी लॉन्ग टर्म इलनेस से पीड़ित नहीं है और आप जीवन भर हेल्दी रहना चाहते हैं तो आपको एटलीस्ट टोटल डाइट का 60 परसेंट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रखना होगा चाइना स्टडी यह कंक्लूड करती है फिलिंग द बॉडी विद हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोरोफिल एंड न्यूट्रिएंट्स इन इट्स नेचुरल स्टेट फ्रॉम प्लांट बेस्ड फूड लीड्स टू कम्प्लीट रिवर्सल ऑफ डिजीजेस सिंपल भाषा में यह है कि अगर आप किसी बीमारी से ग्रस्त हैं तो डेढ़ से दो साल तक अगर आप 90% रॉ प्लांट बेस्ड डाइट फॉलो करते हैं तो आप अपनी कोई भी सेहत वापस पा सकते हैं इंसिडेंटली हुंजा के अलावा दुनिया में छह और सिविलाइजेशन ऐसे हैं जहां आज भी बीमारी का कोई नामो निशान नहीं है और अक्सर लोग सौ वर्ष की आयु क्रॉस करते हैं सम ऑफ द प्रोमिनेंट सिमिलैरिटीज इन ऑल द सेवन हेल्थीएस्ट सिविलाइजेशन आर फर्स्ट प्लांट बेस्ड फूड कंजम्प्शन इन रॉ एंड बॉयल्ड फॉर्म इज अबाउट नाइन्टी टू नाइन्टी फाइव परसेंट सेकेंड इज शुगर कंजम्पशन नील सॉल्ट कंजम्प्शन ऑलमोस्ट नील एनिमल बेस्ड फूड कंजम्शन वन टू फाइव परसेंट मिल्क कंजम्शन वेरी लेस प्रोसेस्ड फूड कंजम्पन चाइना स्टडी की रिपोर्ट को सपोर्ट करते हुए जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन में 2003 में यह पब्लिश हुआ है कि रॉ डाइट कैन लोअर बैड कोलेस्ट्रॉल बाय द सेम अमाउंट एज अ स्टेटिन कैन बट विदाउट एनी साइड इफेक्ट अनलाइक स्टेटिन ठीक इसी प्रकार द न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन थाउजेंड का रॉ फूड के बारे में यह कहना है कि द ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स विद ऑस्टोपोरो ड्रग हैज़ नो इफेक्ट ऑन द इंसिडेंट ऑफ हिप फ्रैक्चर हाउवर पेशेंट्स हु चेंज द डाइट टू रॉ मॉडरेटली हैड थर्टी सिक्स फ्यूअर हिप फ्रैक्चर्स अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन साइंस एडवाइजरी ने यह कंक्लूड किया है कि इट वुड बी शॉर्ट साइटेडनेस टू नॉट रिकोगनाइज द इनॉर्मियस पब्लिक हेल्थ बेनिफिट दैट द रॉ डाइट कुड कन्फर्म ठीक इसी प्रकार अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन साइंस एडवाइजरी में यह भी पब्लिश हुआ है कि तो देन 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 दे देट दे देट पेशेंट डिराइव मोर देन टू एंड हाफ टाइम्स मोर बेनिफिट फ्रॉम ईटिंग रॉ डाइट देन डिड सिमिलर पेशेंट्स टेकिंग कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग स्टैटिन ड्रग्स अब सवाल यह है कि अगर डाइट को पूरी तरह से नेचुरल एंड अनकोक्ड रॉ करने से ही सारे डिजीज खत्म हो सकते हैं तो यह बात जनता से छुपाई क्यों जाती है इस सवाल का जवाब देते हुए डॉक्टर स्कॉट ग्रुंडी जो कि चेयरमैन है कोलेस्ट्रॉल गाइडलाइंस पैनल के ने कहा ड्रग्स कंपनीज आर एक्सट्रीमली पावरफुल दे पुट ह्यूज एफर्ट इन प्रोमोटिंग ऑफ दीज ड्रग्स देर इज नो ह्यूज इंडस्ट्री प्रोमोटिंग हेल्थी फूड मेडिसिन के इतिहास में पहली बार दुनिया के 12 प्रमुख मेडिकल जर्नल्स इंक्लूडिंग जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन द लैंट एंड द एनल्स ऑफ इंटरनल मेडिसिन ने मिलकर एक ज्वाइंट स्टेटमेंट इशू किया एंड दैट इज ड्रैकोनियन द नेक्सेस बिटवीन द मेडिकल रिसर्चर एंड द कॉरपोरेट स्पॉन्सर्स एंड इट मेड इट क्लियर दैट द फार्मास्यूटिकल कंपनीज वॉन्ट यू टू लिव अ लॉन्ग डिजीज लाइफ आजकल फार्मास्यूटिकल कंपनीज द्वारा डिजीज की मार्केटिंग इस हद तक बढ़ गई है कि मेडिकल फर्टिनिटी यह भूल ही गई है कि उनका पहला उद्देश्य लोगों को निरोगी रखना है ना कि प्रॉफिट के लिए अंधाधुन दवाइयाँ और डायग्नोस्टिक टेस्ट रिकमेंड करना टाइम मैगजीन के आर्टिकल हॉस्पिटल वॉर के अनुसार अक्सर डॉक्टर्स मरीजों को महंगे डायग्नोस्टिक टेस्ट रेफर करते हैं सिर्फ प्रॉफिट के उद्देश्य से जाइए और अपने आसपास ढूंढने की कोशिश कीजिए कोई ऐसा डॉक्टर का क्लिनिक जहां आपको डॉक्टर के चैम्बर में टेबल पर पड़े फार्मास्यूटिकल कंपनीज द्वारा गिफ्ट के रूप में दिए गए पेन डायरीज नोट पैड पेपर वेट्स टेबल क्लॉक या वॉल पर टंगे कैलेंडर एक्सेट्रा ना मिले समझने की बात यह है कि गिफ्ट्स का सीधा असर डॉक्टर के सबकॉन्शियस माइंड में पड़ता है इस बात की पुष्टि करते हुए अमेरिकन जर्नल ऑफ बायोथिक्स में यह पब्लिश हुआ है व्हेन अ गिफ्ट और ए जेस्टर ऑफ एनी साइज इज बेस्टोर्ड इट इम्पोजेज ऑन द रेसिपियन a sense of indebtedness the obligation to directly reciprocate whether or not recipient is directly conscious of it tends to influence behavior i am sure after going through all these examples and references you must have understood one hard fact that you are told and educated about the disease in a way that even a thought of disease should panic you and you must surrender to the doctor and then they guide you through a process which must keep you lifelong diseased and you become a permanent customer of them. If it is not the case, then why so that not a single person on earth got cured of diabetes, high blood pressure, cholesterol problem, migraine, or even obesity burden using the modern medicine? However, the method I just told you can help you. to get completely cured of of all kind of lifestyle diseases कंप्लीटली क्योर्ड ऑफ जीवन का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है इस वक्त अगर आप अपने हाथ को मूव कर पा रहे हैं तो उसकी वजह है हाथों के मसल में ऑक्सीजन का स्टोरेज जिसे प्रोटीन ने मसल में रखा है अब इस गहरी बात को समझने की कोशिश कीजिए नाइनटीन में डॉक्टर गुंटूर ब्लॉबल को नोबल प्राइज मिला था उनके खोज के लिए उनका खोज यह था कि हर प्रोटीन में पहले से ही इनबिल्ड सिग्नल होते हैं जिससे यह तय होता है कि वो प्रोटीन किस सेल का हिस्सा बनने वाला है और सेल में किस भाग को बिलोंग करने वाला है सिंपल भाषा में हम यह बोल सकते हैं कि न्यूट्रेंट ह्यूमन बॉडी के अंदर यूं ही भटकते नहीं रहते इस सोच में कि कहाँ जाऊँ कौन से सेल व ऑर्गन का पार्ट बनूं, बल्कि उनके अंदर पहले से ही एड्रेस कोड होता है कि किस सेल के किस भाग में डिलीवरी होनी है यह है नेचर का अपना पोस्टल सिस्टम जिस प्रकार चिट्ठी में पहले से ही एड्रेस होता है और पोस्टमैन उसे निर्धारित एड्रेस पर ही पहुँचाता है लेकिन जरा सोचिए किसी वजह से अगर एड्रेस मिट जाए या ठीक से पढ़ा ना जाए या एड्रेस वाला पार्ट फट जाए या डिस्ट्रॉय हो जाए तो क्या तब भी पोस्टमैन राइट एड्रेस पर उस लेटर को डिलीवर कर पाएगा ठीक ऐसा ही है ह्यूमन बॉडी का फूड से संबंध जब किसी फूड को ओवर कुक या डीप फ्रिज या माइक्रोवेव या प्रोसेस किया जाता है तो उसके अंदर की कोडिंग सिग्नल्स नष्ट हो जाती है और वह बॉडी में रैंडमली कहीं भी डिपॉजिट हो जाते हैं और ऐसे बीमारी की नींव आप अनजाने में ही अपने बॉडी में रखते हैं अब यह बात स्पष्ट है कि 1999 के डॉक्टर गुंटूर के इस इंपॉर्टेंट खोज से पहले मेडिकल साइंस की सारी तरक्की एक तरह से वेस्ट है इसीलिए हिपोक्रेट्स द फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन ने यह कहा था नॉट द डॉक्टर नेचर हील्स और थॉमस एडिसन ने भी अपने दूरदर्शिता से यह कहा था द डॉक्टर ऑफ द फ्यूचर विल गिव नो मेडिसिन बट विल टेक इंटरेस्ट इन हिस पेशेंट इन द क्योर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इन डाइट इन द कॉज एंड द प्रिशन ऑफ द डिजीज इवन नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था मेडिसिन इज द कलेक्शन ऑफ अनसर्टन प्रिस्क्रिप्शन द रिजल्ट ऑफ विच टेकन कलेक्टिवली आर मोर फेटल देन यूजफुल टू द मैन काइंड हमें समझना होगा इंसान और नेचर के बीच एक अनोखा इक्वेशन है एक अनोखा संबंध है जिससे जीवन कायम है ज़रा सोचिए कैसा होता कि आपकी कार खराब होने पर अपने आप ही कुछ समय में ठीक हो जाती यह एक फैंटेसी ही हो सकता है लेकिन आपके बॉडी में ऐसा संभव है जब कभी चोट लगती है या कट जाता है तो कैसे खून तेजी से बहकर उस जगह को पहले क्लीन करती है और फिर खून जम जाता है और उस जगह को पूरी तरह से कवर कर देता है और कुछ ही समय में नया स्किन बन जाता है और कुछ और समय बीतने पर पहले जैसा सब कुछ नॉर्मल हो जाता है ठीक इसी प्रकार जब कोई टॉक्सिक फूड हम बॉडी में इंजेस्ट करते हैं तो डायरिया या वोमिटिंग के थ्रू बॉडी अपने सिस्टम को क्लीन करता है सो दिस इज कॉल्ड द यूनिवर्सल लॉ ऑफ रीबैलेंसिंग। सो बी क्लोज टू द नेचर एंड नेचर विल टेक